हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षल और आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव हर्षल। तो अभी फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं। फ्रेंड, उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ 5 mm की LEDs लेंगे। फ्रेंड, तो हमें ये 4 LED ले लेनी है। फ्रेंड, ये 1 या 2 रुपये में मिल जाती है फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में। तो इसकी जो बड़ी वाली लेक ये पॉजिटिव और छोटी वाली लेक नेगेटिव है। फ्रेंड, तो इस तरह से आप में 4 LED ले लेनी है। फ्रेंड, तो उसके बाद में हमें और कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे। फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें 4 रेजिस्टेंस लगेंगे। तो ये सिर्फ ये 2 ही चीज़ों से बन जाता है। फ्रेंड, बहुत ही इजीली बनता है। फ्रेंड, और बहुत ही चीप बनता है। ये रजिस्टर है फ्रेंड, ये 1 से 2 रुपये में मिल जाता है। ये 1 किलो ओम का हमें लेना है। फ्रेंड, 4 रजिस्टर हमें यूज़ करने हैं इस वीडियो में। तो चलिए, इस तरह से मैं 4 रजिस्टर ले लेता हूँ। अभी फ्रेंड, ये LEDs है, तो हमें सबसे पहले 2 LED को सीरीज में कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें 4 LED को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट LED का पॉजिटिव लेग हमें सेकेंड LED के नेगेटिव लेग से शोल्डरिंग करना है। फ्रेंड, तो इजीली शोल्डरिंग हो जाता है। ये जो शोल्डरिंग स्टेशन है फ्रेंड, मैंने इसे खुद से बनाया है घर पर। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। फ्रेंड, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से ये शोल्डरिंग हो जाएगा। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली ये शोल्डरिंग हो गया है। इस तरह से हमें चारों को कनेक्ट कर लेना है फ्रेंड सीरीज में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अभी मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने चारों LED को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो आप भी इसे कर सकते हो। अभी हमें ये चारों LED में रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से फर्स्ट LED जो है उसका जो पॉजिटिव सिरा है, जो नेगेटिव सेकेंड वाली LED से लगा हुआ है, वहाँ पर हमें इसे शोल्डरिंग करना है। फ्रेंड, तो इस तरह से आप शोल्डरिंग कर सकते हो। फ्रेंड, ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट LED है उसके पॉजिटिव और सेकेंड LED नेगेटिव जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं फ्रेंड, उस जगह पर हमें ये रजिस्टर को लगा देना है। फ्रेंड, रजिस्टर की दोनों रेख सेम ही होती है। फ्रेंड, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। तो आप इजीली इसे कर सकते हो। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये वर्क करेगा। तो इस तरह से हमें ने इसे लगा दिया है। फ्रेंड, ये देखिए, तो अभी इस तरह से मैंने इसे लगाया है एक। अभी हमें चारों लगानी है। फ्रेंड, तो जहाँ पर सर्कल है वहाँ पर हमें एक एक रजिस्टर लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने रजिस्टर को लगा दिया है। तो ये फर्स्ट जो लेग है फ्रेंड, इसे हमें ओपन ही छोड़ना है। लास्ट रेक पे जो रजिस्टर है फ्रेंड, उसे हमें दूसरे वाले रजिस्टर के एक सिरे में कनेक्ट करना है। इस तरह से हमें इनके सारे लेग को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, इसे यहाँ पर, फिर सेकेंड वाली को थर्ड वाली से और थर्ड वाली को फोर्थ वाली से। इस तरह हमें सारे रजिस्टर को कनेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ये आखिरी वाला रजिस्टर है, इसे भी मैं शोल्डरिंग कर लेता हूँ। बहुत ही इजीली हो जाएगा फ्रेंड ये। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड, तो अभी जहाँ पर हमारा रजिस्टर है फ्रेंड वाला, इसका पॉजिटिव सिरा है, और जहाँ पर हमारा LED है वो इसका नेगेटिव है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप उल्टा लगाओगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रेंड, तो अभी देखिए फ्रेंड, मैं ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसे मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ ये किस तरह से वर्क करता है। फिलहाल ये बैटरी डिस्चार्ज है फ्रेंड। जब ये चार्ज होगी तो पूरे LED जलेंगे। फ्रेंड, तो अभी ये 4 वोल्ट पे एक LED जल रही है, 8 वोल्टेज पे ये 2 LED जलेगी। फ्रेंड, ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ी लो है और 12 वोल्ट पे पूरी हाई जल रही है, क्योंकि ये बैटरी लो है। फ्रेंड, अगर आप फुल चार्ज बैटरी यूज़ करोगे तो ये चारों LED को ब्लिंक करेगी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो, बहुत ही ईजिली ये घर पर बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।